हेलो दोस्तों, टुडे आई एम सुशील अंबर अगेन विद यू। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी डीपेस्ट प्रॉब्लम, रेस्टलेस स्लीप। यू नो वेल द प्रॉब्लम आर इंक्रीजिंग डे बाय डे इन इंडिया, लाइक रेस्टलेस स्लीप। द क्वेश्चन अराइज हाउ टू टेक द डीप स्लीप। हम लोगों को अक्सर फोन आते हैं कि हम सो नहीं पाते हैं, दिन भर हम काम करते हैं, नींद बहुत गहरी नहीं आ पाती है, अगर नींद आती है तो हमें सपने बहुत आते हैं, तो हम उठ के बैठ जाते हैं। कई मतलब क्या होता है, कुछ लोग मेडिसिन खाने लगते हैं जिन लोगों को नींद नहीं आती। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे आप लोग आज के बाद से कम डीप स्लीप ले सकते हैं, एक अच्छी नींद ले सकते हैं, एक स्वस्थ नींद ले सकते हैं। ये कोई क्रिया नहीं है, ये कोई तंत्र नहीं है, ये कोई विद्या नहीं है, ये सिर्फ तरीका है, एक टिप्स है, एक ट्रिक है जिसके जरिए आप एक अच्छी नींद ले सकते हैं। तो अच्छी नींद लेने के लिए सबसे पहली बात तो जरूरत है अच्छा खाना, टाइम पर सोना और टाइम पर जाना। अगर उसके बावजूद आप लोगों के लिए नींद नहीं आती है, नींद आने में दिक्कत आती है, आप चारपाई पे लेट जाते हैं, बेड पे अपने लेट जाते हैं, आंखें तो बंद हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है, कभी इस करवट कभी उस करवट, तो आखिर करें क्या। कभी लगता है उठ के पानी पी लें कि कुछ और पी लें, तो उसका सीधा तरीका है कि हम अपने हाथ और पैर बहुत ही अच्छे तरीके से धुल लें। धुलने के बाद जो हमारा समय हो सोने का, हम आराम से जाकर अपने बिस्तर को साफ सुथरे बिस्तर को साफ करके एकदम ऊपर चित्त होकर लेट जाए। चित्त होकर लेट जाए मतलब पेट ऊपर करके हम लेट जाएं और अपने हाथ को एकदम सीधा ऐसे कर लें। और सिर्फ ये कोई मंत्र नहीं है, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, ना ही कोई तंत्र है। इस फार्मूले को सबसे पहले मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि शुरुआती दौर में मुझे भी कई बार ऐसा होता था, काम की थकान हो जाती थी और मुझे नींद नहीं आती थी। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो इसका इलाज जरूर होगा, वो भी बिना दवा के सहारे। हम लोग जब दवा लेना शुरू करते हैं तो एक टैबलेट, फिर दो टैबलेट, फिर तीन टैबलेट, होता क्या है कि हम हैबिचुअल होते जाते हैं, हर दिन मात्रा दवाई की बढ़ती जाती है। दवाई की मात्रा तो बढ़ती है, साथ में हमारी जिम का खर्चा भी बढ़ने लगता है। तो इसका सीधा सा जुगाड़ है कि आप अपने चारपाई पर, अपने बिस्तर पर, अपने बेड पर आराम से आप सो जाइए चित्त होकर, और अपने हाथों को एकदम ऐसे रख लीजिए, या आप ऐसे अपनी हथेलियों को ऊपर की तरफ रख सकते हैं इस तरीके से, देखिए आप लोग इस तरीके से। और उसके बाद में आप सिर्फ, आपको सिर्फ यही कहना है, ओम साई राम, 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 ओम साई राम। अब कुछ लोग कहते होंगे, अरे यार मेरे ओम साई राम का तो नाम हम रोजाना लेते हैं, ओम भी रोजाना जपते हैं, साई भी रोज जपते हैं। जब आप ओम का प्रयोग करते हैं तो भगवान शिव को आप याद करते हैं, जब साईं को याद करते हैं तो साईं राम को याद करते हैं, दोनों को मिला के जब याद करते हैं तो ओम साईं राम हो जाता है। आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और मन के अंदर आप सिर्फ ये दोहराइए, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। आपको मात्र 15 मिनट के अंदर ही आपको नींद आने लगेगी, आप गहरी निद्रा में चले जाएंगे। किसी ने कहा है कि जब हमें दवा मिलती है तो हम डॉक्टर से ये नहीं पूछते कि उसका मजहब क्या है, वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है। तो ये जो दवा है, ये जो मेडिसिन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो ये मंत्र आपको बता रहा हूँ, वो हर कोई व्यक्ति हर धर्म का प्रयोग कर सकता है।
बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ आपको दो शब्द बोलना है, ओम साई राम। ओम अलग हो गया, साई राम अलग हो गया, तो मिलके दो हो जाते हैं। केवल हमें ओम साई राम, 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 ओम साई, सिर्फ हमको यही बोलना है। उसके बाद हम गहरी नींद में चले जाएंगे। जब हमारी आँख खुलेगी तो सुबह हो चुका होगा और आप महसूस करेंगे कि आपका जो बदन है, आपका जो शरीर है, काफ़ी हल्का है, काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। आप इस क्रिया को आप प्रतिदिन करिए और देखिए आपको किस तरीके की नींद आती है। अगले अंक में, अगले साक्षात्कार में हम फिर हमको एक नया टिप ट्रिक टोटका आपको लेके आएंगे। तब तक के लिए सुशील गंगवार को इजाज़त दीजिए। आप मुझे लिखना ना भूलें, sushil_gangwar@redismail.com और हमारी वेबसाइट sakshatkar.com और sakshatkartv.com को विजिट करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।